फ्रॉम लेडी हार्डिक मेडिकल कॉलेज आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को लाइक एक ट्रॉमेटिक चीज लगती है फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना विल जस्ट कवर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इन जस्ट फाइव स्टेप्स ओके स्टेप नंबर वन आपको पहले लेक्चर लेना है ठीक है किसी भी टीचर से लो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेप नंबर टू आज जो लेक्चर लिया है उस लेक्चर में जितने टॉपिक्स कराए गए हैं उस टॉपिक्स से रिलेटेड 10, 12, 15 क्वेश्चन जो भी आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या मॉड्यूल्स या लाइक असाइनमेंट जो भी मिलता है उस लेक्चर के क्वेश्चंस को उसी दिन करके खत्म करो ठीक है ओके स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री आता है तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइक like बच्चे कहते हैं नीट का पेपर बाहर से आते हैं या सब देखिए नहीं ट्रस्ट मी आ ट्रस्ट माई वर्ड्स नीट का पेपर तीन चार पाँच साल से जो भी आ रहा है ये बेसिकली एन के ही चीज़ों को मॉडिफाई करके या एन सी के ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आ रहा है ठीक है तो फिर यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री है कि एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में जितने भी सोल्ड एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं बीच बीच में पेजेस के और जो सोल्ड एक्सरसाइज uh, के क्वेश्चंस हैं जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो ये दोनों आपको जरूर करना है क्योंकि नीट में यहीं से आएगा फॉर श्योर नीट में यहीं से आएगा अभी मैं प्रूफ आपको दो में चैप्टर नंबर थ्री है एन क्लास ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जाम्पल थ्री और एग्जाम्पल थ्री दोनों ही नीट दो में आया है और हाँ वैल्यूज़ बदल जाती हैं लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है सो एन सी आर टी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो ठीक है है like लाइक आपने जो चैप्टर के नोट्स बनाए हैं पचास साठ पेजेस के या सौ पेजेस के एक एक चैप्टर के नोट्स बनाए हैं क्या फ़ायदा आप लाइक सपोज फ़िजिकल केमिस्ट्री में आपके पास पंद्रह से सोलह चैप्टर्स है कंबाइनिंग बोथ इलेवंथ एंड ट्वेल्थ कल आपका नीट का एग्ज़ाम है मान लीजिए कल आपका नीट का एग्जाम है और आज आपको अगर 15-16 चाप्टर जिनके आपने 100-100 पेजेस के नोट्स बनाए अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा कर जा रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा नीट में आपको कुछ भी रिवाइज नहीं है कुछ भी याद नहीं है तो ना क्वेश्चन याद आएंगे ना फॉर्मूले याद आएंगे ना कॉन्सेप्ट याद आएंगे सो so, नीट से एक दिन पहले जो आप रिवाइज करके जाओगे वो बेसिकली आपके सौ पेजेस के नोट्स नहीं होंगे वो आपके फॉर्मूला चार्ट होंगे जो तीन चार पाँच छः पेजेस में आपने पूरे चैप्टर को कंसाइज करके सभी के फॉर्मूलेस लिखे हुए होंगे सो फॉमूला चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके पास अंठानवे चैप्टर है तो इमेजिन द डे क्या आप उस दिन में है जस्ट वन डे बिफोर द नीट एग्जाम एंड आपको वो अंठानवे वाइज़ करना तो सौ सौ पेजेस ऑफ ई वाइज़ करना इम्पॉसिबल है फॉर इवन फॉर द टॉपर्स इम्पॉसिबल है तो सो वट दूस दैटेजी तो उनके पास फॉर्मूला चार्ट होते हैं ठीक है थीके? तीन चार पेजेस के फॉर्मूला चार्ट आप हर चैप्टर के जरूर बना के रखे जहां पर आप important points, important formulas, सब कुछ समेट कर एक जगह लिखे ज्यादा मतलब दिखेगा तो नहीं बट हाँ स्टेट्स ऑफ मेटर का ही मेरा तीन पेजेस में आया है ये पेज नंबर टू और ये पेज नंबर थ्री हेयर स्टेट ऑफ मेटर एंड यहाँ पर मैं तीन पेजेस की मदद से पूरा चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का इजीली रिवाइज कर पाती थी किसी भी स्टेप नंबर फाइव एनसीईआरटी की रीडिंग फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बोलूँगी टू बी ऑन द सेफर साइड जो मैंने किया था स्टेप नंबर फाइव में एनसीईआरटी की रीडिंग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप कम से कम एक बार जरूर करें विद आप... रीजन ये है कि आप एनसीईआरटी में जब चैप्टर्स की रीडिंग कर रहे होंगे तो ज्ञान आपको सो देआर फोर बिकॉज रीजन एजर्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारी ऐसी लाइन्स मिलेंगी तो एक बार रीड करके आप उसे अंडरलाइन करके खुद से दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए कि इस चैप्टर के इस पेज में यहाँ पर इस स्टेटमेंट से ऐसे एजर्शन रीजन बन सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर एजर्शन रीजन आएगा तो आपने पहले से बुक में मार्क करके रखा हुआ होगा तो आपके एजर्शन रीजन गलत नहीं होंगे ठीक है इसका भी मैं एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ अब देखो एन सी आर टी से पढ़ते वक्त एजर्शन रीजन कैसे फ्रेम करोगे तो यहाँ पर ना ये इतने में बता रखे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फोर है पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स है यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया है अब जिसने पढ़ा होगा उसी को समझ में आएगा वरना नहीं ही आएगा कि अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में ये प्लाटिनम सरफेस के ऊपर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आखिर में ऐसा क्यों है तुम्हारे पास एजर्शन आ जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लाटिनम इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन सही बात है रीज़न क्या है एट हाई प्रेशर मेटल सरफेस सेचूरेटेड विद गैस क्योंकि हाई प्रेशर पे मेटल सरफेस जो है वो गैस से सेचूरेट हो जाता है एजर्शन ट्रू है रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ये तुम खुद से एजर्शन रीजन फेम करना सीखो और तुम्हें खुद ब खुद ना जब पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से एजर्शन रीजन बन सकता है नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री को जरूर रिपीट करें महीने में एक दो बार जरूर करें बिफोर अटेम्प्टिंग एनी ऑफ द मोक्स जरूर रिपीट करें केन सी आर टी के सॉल्ट एक्जाम्पल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन मस्ट है फॉर द नीड स्टूडेंट ओके और ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और मॉक पेपर्स करें देखो असली यू uh, नो you know, रन क्षेत्र में उतरने से पहले आपको खुद बहुत यू नो व्हाट डू वी से असली रण क्षेत्र में उतरने से पहले रणभूमि में उतरने से पहले आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए तभी आप रणभूमि में अच्छा कर पाओगे आपका प्रदर्शन अच्छा होगा सो so, उसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके पेपर में अच्छे जा सके उनके क्वेश्चन आपको पेपर में अजीब ना लगे परेशान ना करें उसको टैकल करने के लिए आप ढेरों क्वेश्चन और ढेरों मोक पेपर्स पहले ही पेपर से पहले ही सॉल्व करके रखे देखो गलती मोक पेपर्स में होते लाइक मोक पे, पेपर में कोई आप पाँच स्कोर कर रहे साढ़े तीन कोई मैटर नहीं करता या स्टॉप ईयर में देखा है कि वो बच्चा जिसके चार सौ आ रहे हैं साढ़े चार सौ आ रहे हैं उसके भी छः सौ बीस छः सौ तीस नीट एग्जाम में आ जाता है और मैंने ही देखा है वो बच्चा जिसके छः सौ साठ सात सौ आए हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण छः सौ भी क्रॉस नहीं कर पाए सो so, मोक पेपर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोक पेपर के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं लेकिन इनमें जो गलतियाँ आपने की और उस गलतियों से जो सीख मिलती है वो सीख आपको नीट के पेपर में ज़रूर बहुत फ़ायदा देती है ठीक है आज की वीडियो एंड करता है थैंक्स फॉर वॉचिंग